और न बिजली बिल के दो साल ये हमारा कहना है और हमारे कार्य के काम तो पूरा करा लेगा सही नहीं है अपना आती वजन है जो कि ना इस बात की जरूरी है थंबा बना रोक दिया इसका किराया ही बना दिया थंबा लावा का और यूपी ना की बोलते हां इनसे को जैसे कि कहेंगे सोमवार तक आते दिन हमारे क्या नहीं है पूरे सारे इस जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि दो तरह के काम फील्ड में किए जाए एक जन सुनवाई की जाए जिसमें बाकी लोगों की जो समस्याएं हैं शिकायतें हैं उनके जो मुद्दे हैं उनको ग्रहण करें और उसके मुकाबले करें और दूसरा ये डायरेक्शंस है कि जो फ्लैगशिप प्रोग्राम राज्य सरकार को केंद्र सरकार के चल रहे हैं उसका फीडबैक भी दिया जाए और उसी की कड़ी में हम लोगों ने त्वरित गति से पहले 1 फरवरी से पंचायत स्तरीय जन सुनवाई शुरू करी और जैसे ही बाद में निर्देश प्राप्त हुए कि जन सुनवाई ब्लॉक स्तर पे करनी है और उसके बाद माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय होगी तो हम लोगों ने 13 फरवरी से 18 फरवरी तक 6 दिन लगातार ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई करी हमने दो ब्लॉक कवर किए और जो विभिन्न विभाग के अधिकारी वहाँ पर उपस्थित रहे उनके समक्ष लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा उसका संकलन किया गया है और अपेक्षा हम लोगों से ये रखी गई थी कि जो ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में प्रकरण आए हैं उनके मुकाबला रिपोर्ट माननीय मंत्री महोदय के सामने रखी जा सके और जैसा कि मेरे को डिटेल्स मेरे सामने आई है कि आप उनके यहाँ पे जो टोटल जिला स्तरीय जन सुनवाई के प्रकरण अपने पिछले 2 दिन के जोड़े हैं उनको मिलाते हुए लगभग 1750 प्रकरण थे और जिनमें से करीबन 1400 प्रकरण के जवाब आपसे प्राप्त हुए इस पर जैसे कि अभी वादी प्रतिवादी सुनने वाले सभी एक साथ थे अगर यही काम रिपीट में हम करते हैं तो एक फाइल दूसरे जगह पे जाती तीसरी जगह पे जाती दो चार पड़ी रहती फिर एक चिट्ठी लिखते जवाब के लिए उसका उत्तर पता नहीं कब आता एक टेबल के ऊपर बैठकर सब लोगों ने एक सामूहिक एक टीम भावना के माध्यम से जो निर्णय किए कहा तो 1700 प्रकरण दर्ज हुए थे उसमें 1400 के आसपास प्रकरणों को अपने एक तरह से निस्तारण कर दिया है एक अच्छी उपलब्धि है सबसे ज्यादा खुशी आप मुझे इस बात की है सरकार की योजना है वृद्धावस्था पेंशन देना और वो वृद्धावस्था पेंशन पाने वाला गांव में बैठा है इसके पड़ोस में एक को पेंशन मिल रही है दूसरे को पेंशन नहीं मिल रही इसके छोटे मोटे कोई भी कारण हो सकते हैं ये सबसे बड़ी एक समस्या है लेकिन जितने भी प्रकरण आए इसमें एक भी वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन पालना और जमीन का मोटेशन या कोई राशन कार्ड की बात या नरेगा में काम पे हमको दिन लगा लगाए और उसकी बात या समय पे भुगतान नहीं हुआ या जो दवाई की उन्होंने लागू की डॉक्टर के पास में गए डॉक्टर ने दवाई नहीं लिखी या जल्दी से जो सुरक्षा को उन्होंने गाड़ी मंगी और गाड़ी नहीं आई गाड़ी आ गई तो मैं खुद की टैक्सी लेके आया लेकिन मुझे भुगतान नहीं हुआ या लोकसभा गारंटी अधिनियम जो बना है उसके अंदर मेरे समय पर दरखास्त दी थी उसको मुझे रसीद भी प्राप्त हो गई लेकिन इसके बाद में इसका निराकरण नहीं हुआ अधिकारी कर्मचारी को पेनल्टी लगनी चाहिए इस तरह का एक प्रकरण कार्यक्रम